हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजफुल प्रोडक्ट्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन को पील करने वाली क्रीम के बारे में, क्योंकि दोस्तों आजकल काफी ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं कि स्किन को पीलिंग करना क्या सेफ होता है नहीं। तो दोस्तों मैंने स्किन को पीलिंग करने के टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना रखी है कि स्किन पीलिंग करना किस तरह सेफ होता है, और या फिर जो हम डॉक्टर से स्किन पील कराते हैं वो सेफ रहता है, या फिर हम किसी स्किन वाइटनिंग क्रीम से स्किन पीलिंग करते हैं वो ज्यादा सेफ रहता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयलीजा क्रीम के बारे में, जो कि दोस्तों ग्लाइकोलिक एसिड वाली क्रीम है, यानी कि इस क्रीम के अंदर 12% ग्लाइकोलिक एसिड डाला गया है। दोस्तों आपको पता है कि जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो हमारे फेस के लिए वैसे तो सेफ होता है, लेकिन दोस्तों इसका अगर लिमिटेड मात्रा में और सही प्रकार से यूज किया जाए तो ये आपके फेस के लिए सेफ होता है, अदरवाइज ये ज्यादातर मात्रा में आपके चेहरे पर साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम कर सकता है। दोस्तों बात करें ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है ये दोस्तों गन्ने के रस से प्राप्त होता है, लेकिन अगर आप इसका लिमिटेड मात्रा में यूज कर रहे हैं तो आपके लिए सेफ है, अदरवाइज आप इससे अपने चेहरे पर हानि पहुंचा सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका यूज आपको कैसे और कब करना है। तो दोस्तों आप इसका ओनली 7 दिन में ओनली 1 या 2 बार इसका यूज करें, और इसको ओनली नाइट में ही यूज करें। ये दोस्तों ग्लाइकोलिक एसिड है, ये स्किन को पील करता है, यानी कि जो स्किन की ऊपरी लेयर होती है उसको दोस्तों रिपेयर करता है और उसको निकाल के नई स्किन लाता है। तो अगर आप इसका ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो आपकी स्किन पूरी तरीके से दोस्तों वो निकल जाएगी, और जो नई स्किन आएगी वो आपके लिए थोड़ा सा दोस्तों नुकसानदेह कर सकती है, क्योंकि वो जो नई स्किन आती है वो आपके चेहरे पर सूर्य से आने वाले हार्मफुल रेज के कारण वो बर्न हो सकती है। तो आप इसका ओनली 7 दिन में 1 बार या फिर 2 बार यूज करें तो आपके लिए सेफ रहेगी। और दोस्तों बात करते हैं कि केमिकल पील करना या फिर जो ऐसी क्रीम होती है इनसे स्किन को पीलिंग करना सेफ होता है नहीं। तो दोस्तों इस क्रीमों से पील करना, जब तक आपको थोड़ी सी नॉलेज है, आप अच्छी खासी नॉलेज ले लीजिए कि कैसे क्या होता है, तब तक के लिए तो ठीक है, अदरवाइज आप बिना जानकारी के इनका अनसेंट तरीके से और गलत तरीके से यूज करेंगे तो तब तो आपको इसका साइड इफेक्ट तो दोस्तों देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्किन को पील करना ठीक है कुछ हद तक, लेकिन आप हद से ज्यादा करेंगे तो वो आपके लिए साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम कर सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये स्किन की कौन कौन सी प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो दोस्तों जिन लोगों के फेस पर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है उन को तो बिल्कुल भी 1% भी ऐसी क्रीमों का यूज नहीं करना है, अदरवाइज दोस्तों आपकी इस फेस पर पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनका मतलब लिमिटेड मात्रा में, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 दिन में 1 बार 2 बार इसका आप यूज करेंगे तो चल जाएगा, अदरवाइज ज्यादा हद से मात्रा में यूज करेंगे तो स्किन पर वो तो गलत प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दिए, और मैंने आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहां से जाकर हमें पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।